नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। चीन और ताइवान का विवाद अब युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है और लग रहा है कि चीन और ताइवान के बीच युद्ध होकर रहेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका कारण है हमारे पास, क्योंकि ताइवान ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। दो दिन पहले ही ताइवानी सेना ने चीन की नाक के नीचे लाइव फायर ड्रिल कर अपने मंसूबों को स्पष्ट कर दिया। अब ताइवान के रक्षा मंत्री ने भी ऐलान किया है कि ताइवान का आखिरी सिपाही भी देश की एकता और अखंडता के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि चीनी कम्युनिस्ट्स ने ताइवान के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई जारी रखी है और रोज युद्धाभ्यास कर रहा है, लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान की सेनाएं भी युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को जारी रखे हुए। हमारी सेना ने अपनी सतर्कता और तैयारियों को और मजबूत किया है। ताइवान की संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अंतिम आदमी तक जंग लड़ने की कसम खाई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ताइवानी रक्षा मंत्री ने चीन को धमकी दी। इसके साथ ही यहां पर एक और जानकारी देते चले कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की माने तो ताइवान के पास इतनी ज्यादा मिसाइलें मौजूद हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। हालांकि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इन मिसाइलों की कुल संख्या को आज तक जारी नहीं किया। ताइपे के चाइना टाइम्स अखबार के अनुसार ताइवान के पास कुल 6000 से अधिक मिसाइलें। अमेरिकी और ताइवानी मिसाइलों के जखीरे में अमेरिका निर्मित मिसाइलों के अलावा ताइवान की स्वदेशी मिसाइलें भी शामिल, जिसमें हवा से हवा, हवा से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल। ताइवान के पास मिसाइल ही ऐसा हथियार है जिससे चीनी सेना खौफ खाती और आज तक हमले के प्लान को अंजाम नहीं दे सकी, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति से लेकर चीनी सेना के जनरल तक लगातार ताइवान पर हमले की धमकी देते रहे, लेकिन हमला नहीं किया। इसके साथ ही साथ ताइवान को मानसिक बीमार बनाने के लिए चीन की सरकारी मीडिया दिन में कई बार अपने हथियारों को दिखाकर ताइवान को जंग की धमकी देते रहते हैं। चीन के सरकारी भोकू ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की सेना ताइवान वापस लौटी तो चीन युद्ध छेड़ देगा। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजन ने अमेरिका और ताइवान को धमकाते हुए कहा कि चीन अलगाव विरोधी कानून एक ऐसा टाइगर है जिसके दांत भी। यहां पर एक जानकारी देते चलें कि चीन ने कम से कम 40 बार ताइवान की सीमा के पास अपने लड़ाकू विमान भेजे। इसके साथ ही साथ चीन कई दिशाओं से ताइवान के खिलाफ लड़ाकू विमान और बम वर्षक विमान भेज रहा है। इससे पूरे साउथ चाइना सी में तनाव काफी बढ़ गया। चीन की इस हरकत पर ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन जानबूझकर पूर्वी एशिया में तनाव भड़काने में लगा हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि ताइवान भी अब सीना ताने चीन के खिलाफ खड़ा हो गया और चीन अब क्या करता है ये देखना होगा।